हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो देख सकते हैं वंदना सबके लिए मिठाई लेकर के आई हुई है और सब लोग मिठाई खा रहे हैं। और यहां पे थोड़ा सा मामी का और भांजे का मजाक चल रहा है और बस हम लोग जस्ट आके बैठे ही हैं और सब लोग आपस में यही सब बात। हम लोग पहुँच गए हैं मामी के घर और टाइम हो रहा है 9 बजे का और मौसी की गोद में देख रहे हैं। हमारा प्यारा सा भतीजा है और अब ये चल रहे हैं। आप लोग को आवाज आ रही होगी तो सब लोग पहुंच गए हैं। मामी भी खुश हो गई हैं क्योंकि बड़ा सरप्राइज मिला है क्योंकि मामी लोगों को पता ही नहीं था कि प्राची आ रही है। तो सभी लोग बहुत खुश हैं, वंदना भी, सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए। कह रही दीदी लोग आज झूठ पे झूठ बोले पड़ी थी पर अच्छा लगता है ना, ऐसे कभी कभी सरप्राइज मिलते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए आ गए हम लोग, अब हम लोग खाना पीना खाते हैं और फिर वीडियो का भी एंड करना चाहेंगे। और ये देखिए तो बस अब हम लोग खाना पीना खाने जा रहे हैं और मिलते हैं फिर आप लोगों से। खाने में क्या बना हुआ है? स्पेशल डिमांड पर भरता रोटी। और ये चूल्हे पे भरता रोटी बनाना, इसके लिए ना हम शहर वाले लोग ना बहुत ज्यादा तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और बना है आज भरता रोटी। तो मामी ने बनाया है चूल्हे में भरता रोटी और हम लोगों ने स्पेशल अच्छा मैंने किया कुछ देर दोनों लोगों ने मिलकर और बड़ा टेस्टी है। हम लोग सब लोग और यहाँ का जो हरा बैगन होता है ना उसका भरता हम लोग को बहुत पसंद आता है सभी लोगों को। तो अभी हम लोग वही खाने जा रहे हैं। यही तो मैं रखी गई, सच में बहुत टेस्टी बना। जैसा कि है अपने ननिहाल में तो सुबह का टाइम हो रहा है और सब लोग उठ गए हैं और कुछ कोई किसी काम में लगा है, कोई किसी काम में लगा हुआ है। तो हमको मिल गई है चाय, यहाँ पर वंदना ने हमको चाय बना के दे दी है। तो वैसे मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मॉर्निंग में मॉर्निंग टी ज़रूरी है, बट उसने सोचा शायद मैं पीती होंगी तो मुझे ला के दे दिया। तो मैं पी रही हूँ चाय और बाहर का व्यू इंजॉय कर रहे हैं। चलिए आप लोगों को भी बाहर रोड का नज़ारा दिखाते हैं कि सुबह की अतर्रा की सुबह कैसी होती है। इधर खूब सारे प्लांट वगैरह लगा रखे हैं मामी ने और आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेन रोड पर ही घर है तो सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती रहती हैं। तो सुबह सुबह आपको सबका नज़ारा दिखा रहे हैं रोड का। तो ये देखिए रोड में चहल पहल एकदम लगी हुई है और रात में हम लोग खूब देर तक सब लोग बैठ करके बातें किए और इतना थकान होने के बावजूद लेटे लेटे भी ना सब लोग बातें ही करते रह गए। फिर हम लोग सो गए और सुबह फिर इतनी अच्छी नींद आई, हम लोग थके भी बहुत थे इसी कारण से ना नींद हम लोग को बहुत अच्छी आई और आराम से हम लोग सोए। और अब जा कर के सुबह हम लोग 6:30 बजे आँख खुली है और अभी मुझे मम्मी लोगों का भी पता करना है, शायद वो लोग भी निकल ही चुकी होंगी वहाँ से। तो अभी मम्मी लोगों से भी बात करती हूँ कि कहाँ पहुँचे हैं वो लोग। और नहाना धोना अभी सब हो गया है और वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा आवाज़ ही आ रही है तो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। और चलिए फिर
दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से सब कुछ। बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगा के रखे हैं, लगभग सभी टाइप के। और सबसे मज़ेदार बात है ना, यहाँ एक प्लांट में पूरा गन्ना लगा के रखा हुआ है। और सुबह सुबह भी देख सकते हैं सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं, लेकिन रोड में चहल पहल शुरू हो गई है। और बड़ा अच्छा लगता है ये, इस घर में ना रहो तो ना बोरियत बिल्कुल नहीं होती। बाहर रोड की तरफ देख लो और आराम से, मतलब मॉर्निंग टी आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो बाहर का व्यू देखते हुए, क्योंकि अच्छा लगता है सुबह सुबह चहल पहल होना। एकदम ना रौनक सी रहती है दरवाजे के आसपास। और मैं आपको गन्ने का पेड़ दिखा रही हूँ कि कितना ऊंचा ऊपर तक गया हुआ है। तो इस साल गन्ना होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ पर मौसी जी हमारे छोटे बेबी की मालिश चल रही है, यानी वंदना का ये बेटा है, उसकी मालिश कर रही है, मसाज कर रही है। तो आज इनकी मम्मा थोड़ा बिजी हैं, क्योंकि घर में सभी लोग गेस्ट हैं, घर में कार्यक्रम है, तो मम्मा बिजी हैं, तो इसलिए मालिश हमारी छोटी वाली मौसी ही कर दे रही हैं। तो ऐसे मिल बांट करके थोड़े काम भी हो जाते हैं। और छोटू का यहाँ पर नाश्ता हो रहा है, उसके बाद इनको जाना है फार्म हाउस, क्योंकि वहाँ पर सारी अरेंजमेंट करनी है, सारा कार्यक्रम देखना है। तो इसलिए नाश्ता करके ये निकलेंगे घर से और हम लोग थोड़ा लेट ही जाएंगे, मामी भी पहले ही चली जाएंगी और हम लोग लास्ट में, मतलब इन द सेंस कि जब वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो फिर हमको फ़ोन कर दिया जाएगा, तो हम लोग यहाँ से रेडी होकर के चल देंगे। और उसके बाद अब देखिए हम कहाँ पर आ गए हैं। वहाँ पर मामी जो है वो दाल पीसने की तैयारी कर रही हैं, तो इसमें ना बड़े ज़रूर बनते हैं तिथि में। तो यहाँ पे मामी लेकर के दाल लेके जा रही हैं ऊपर, क्योंकि सिल और बट्टा ना ऊपर ही है, तो हम भी मामी के साथ जाएंगे, इसी बहाने छत भी घुमाएंगे और सिल बट्टा लेकर के वहाँ लगा दूँ मैं। नहाई नहीं है अभी, तो हम लोग आ गए हैं किचन में। यहाँ पे देखो ये रेयांश की मस्ती चल रही है, रेयांश इतना खुश है कि पूछो ना। वो तो चाय नहीं पीते हैं पानी को। कहाँ जा रही? अच्छा नीचे जा रही हूँ उसी। इधर आई। ये देखो हम लोग सालनी से रात में ठीक से मिल ही नहीं पाए, क्योंकि बस आए दो मिनट पैर वैर छुआ के चले गए। दे दो आद्या, आओ ऊपर चले आद्या, आओ ऊपर छत पे चलो। छत पे परेशान था लेकिन अब क्या करे, पेपर समय सब बच्चों के पेपर। पिछले साल विधायक जी की भी जब बड़े मामा की थी तब भी ये पेपर में था। गाइस हम लोग आए हैं छत पे और यहाँ पे मौसी डोरी में कपड़े वगैरह ठीक कर रही हैं, क्योंकि सब लोग बस नहा नहा के निकले हुए थे। जय माता दी गाइस। ये देखिए इधर जय माता दी। और मामी ने यहाँ खूब प्लांट्स लगा रखे हैं छत में। हाँ बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मेरा जल्दी आना नहीं हो पाता है ना, इसलिए मैं काफ़ी काफ़ी दिनों बाद देखती हूँ। क्योंकि अभी आई तो थी मैं रक्षाबंधन पे, लेकिन छत पे नहीं आना हो पाया था। और क्या होता है ना कि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो खुशी जस्सी के पास ही रुके थे, तो यहाँ बस एक घंटे के लिए आए थे, तो छत पे तो आ ही नहीं पाए। और इस बार यहाँ पे रुके हैं तो इसीलिए इस इधर देखो रेयांश, इधर देखो, ये देखो ए रेयांश, देखो देखो गोरे गोरे गोरे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लहसुन छील रहे हैं बैठ करके, और मामी से बातें भी होती जा रही हैं और वो भी अपने काम में जल्दी जल्दी से लगी हुई हैं। तो हम लोग थोड़ी हेल्प करा देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और साथ ही साथ मामी का भी मन लगा रहेगा अकेले, वरना छत पे अकेले वो भी बोर होंगी। और बड़े आज मामी दाल जो है वो सिल पर ही पीस करके बनाएंगी, क्योंकि हमारे मामा जी को सिल की पीसी हुई दाल के बड़े बहुत पसंद थे। और उसके बाद हम नीचे आ गए थे, तो यहाँ जिस रूम में हम लोग लेटे हुए थे वहाँ पर कुछ बिस्तर वगैरह
वगैरह फैले हुए थे, वंदना उनको सेट कर रही थी, तो हमने बोला कि तुम्हें आज बहुत सारा काम है, तुम भी नहा धो लो और फिर हम लोग को वहाँ भी चलना है, तो लाओ ये सेटिंग वाला काम ना मैं ही कर लेती हूँ। और मौसी उसके बच्चे को भी देख रही थी क्योंकि वो ना भी परेशान कर रहा था, नींद में था, और जब बच्चे नींद में होते ना तो झूले में उसको लिटा दिया गया था और वो कॉन्टीन्यूअस झूला ही उसको झुलाया जा रहा था, तो वंदना यहाँ पर झूला झुला रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा नींद में आ रहा था। और सरप्राइज़ हम लोग का इंतज़ार, मतलब हम लोग को एक और सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे कि कौन आखिर आने वाला है। सुबह ही मॉर्निंग में फ़ोन आ गया कि हम लोग निकल गए हैं, तो इसलिए हम लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हैं ना। और जब दो तीन लोग पहुंच जाते हैं ना और उसके बाद कोई और आने वाला होता ना, तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो इतनी बेसब्री से हम सुबह सुबह किसका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी ही आप वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन आ गया है हमारे घर, और यहाँ पर हम लोग अब सब लोग ना मिल गए हैं, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और देख दिखाते हैं आपको, मौसी छोटे बेबी को झूले में झुला रही हैं और वो ना अब सोने की तैयारी कर रहा है। ये देखो हल्की हल्की नींद इनको आना शुरू हो रही है और अब बस मौसी इंतज़ार कर रही है कि जल्दी जल्दी से ये सो जाएं। टुकुर टुकुर देख रहे हैं बच्चे ना, जब घर में कार्यक्रम होता ना तो उनकी भी नींद उड़ जाती है, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उनका अटेंशन बढ़ जाता है और बच्चों को एकांत में सोना ज़्यादा पसंद आता है। और देखिए दीदी ने भी सरप्राइज दे दिया रहती है। और अपने ब्लॉग में दीदी नंदो से तो बड़ा दावा की थी बबुआ लोगों से कि कहीं नहीं जाना है, जहाँ पर कार्यक्रम है वहीं आना है। नहीं, वंदना ने कहा था कि बुआ जहाँ पर है वहीं पर आप लोगों को आना है, और नंद से नहीं दावा फेर पाई है, नंद भाग गई ज्योति उधर। हाँ, अपनी नंद को फोन करके बुलाओ अभी तुरंत, अभी इसी वक्त कहो कि जल्दी आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। बेचारी हमारी बहू है कि किस तरह सब काम में सुबह से लगी हुई है। जी जी, कितने बजे निकली हैं आप? 4:09 गाइस, देखिए हमारी भाभी जी की भाषा कितना नीक मौसम है, हर भाषा आपको मिलेगी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, लोग आ गए हैं सब लोग नीचे, तो उनके लिए नाश्ता जा रहा है, मुंगौड़े है, जलेबी है, तो मम्मी बोल रही तुम लेकर के चली जाओ। रास्ते में सीढ़ियों में करते हुए ना उतरते जाइएगा, अरे नाश्ता करते हुए ना कुछ चली जाइएगा। चाचा के बेटे शिवम, पापा हमारे और गौरव भैया, तीनों लोग नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नाश्ता दे दिया है, दही जलेबी मुंगौड़ा चटनी, और हमारे ननिहाल साइड का फेमस है मुंगौड़ा, और मॉर्निंग के नाश्ते में वहाँ पे मुंगौड़ा हर शॉप में आपको मिल जाएगा, घरों में भी जब मॉर्निंग में नाश्ते की बात आती है तो मुंगौड़ा अक्सर करके बन जाता है, क्योंकि इधर साइड मूँग की दाल ज़्यादा होती है, मुझे लगता है जिधर साइड जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं वही नाश्ते में भी बनती हैं ज़्यादा मोस्टली, जैसे साउथ में चावल बहुत होता है तो उधर चावल से रिलेटेड आइटम बहुत बनते हैं, जैसे इडली हो गया और डोसा वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ा मेहनत करो, ये देखिए ज्योति आ गई है, कुछ ज्यादा प्यार मोहब्बत हुआ, भतीजी का यहाँ हो रहा है। मैक्सी
अलग हो जाओ, वो देखो ये ज्योति भी आ गई है। वीडियो का एंड करेंगे, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।